ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और आवश्यक सावधानियों पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। कोविड 19 महामारी के खिलाफ भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। बीते दो महीनों में हमने देखा कि 3,30,00,000 के करीब लोगों को वैक्सीनेशन की खुराक मिल चुकी है और दूसरे चरण के शुरू होने के बाद 15 दिनों में 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों वाले नागरिकों की 1 करोड़ संख्या को वैक्सीन दी जा चुकी है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कोविड महामारी की रोकथाम के लिए सरकार के दिशा निर्देशों और दूसरे प्रयासों के बावजूद पिछले कुछ दिनों से कोविड के मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। नियमों का पालन न करने, लापरवाही बरतने की वजह से फिर से स्वस्थ होने वाले मरीजों के मुकाबले एक्टिव मामलों की संख्या ज्यादा सामने आ रही है। तो आज हम कार्यक्रम में इन्हीं दो बिंदुओं पर बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 24 घंटों के अंदर 30,39,000 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिली, जो एक रिकॉर्ड है। और वैक्सीन के दूसरे डोज लेने वालों की संख्या भी हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी है, तो इस अवसर पर कोविड को लेकर भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव की उपलब्धि पर बात करना जरूरी है। क्या कहेंगे आप? ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये भी है कि हम वैक्सीनेशन दूसरी कंट्रीज को भी सप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि दूसरा डोज काफी लोगों ने लेना शुरू कर दिया जिनकी फर्स्ट डोज पूरी हो चुकी थी। पहले शुरुआत में देखा गया था कि लोगों का वैक्सीनेशन के प्रति ना एक अच्छा विश्वास नहीं था। ये एक विश्वास भी पैदा हो रहा है कि ये वैक्सीनेशन अच्छा है, हमें लगवाना चाहिए। धीरे धीरे जो मैं देख रहा हूँ एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ रहा है लोगों का, ये भी एक कहूंगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब कोविड के मामलों पर डॉक्टर साहब बात हम करेंगे। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, कर्नाटक और भी देश के दूसरे राज्यों में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना देश में 20,000 के पार कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में अकेले महाराष्ट्र में ही हम देखें तो 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। जबकि सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, मास्क लगाना जरूरी है, फिर भी हम नागरिक इस महामारी की गंभीरता को लेकर संवेदनशील क्यों नहीं हो पा रहे हैं और जो हमें सावधानी बरतनी चाहिए उसमें इतनी हम ढिलाई क्यों दे रहे हैं? देखिए, हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, दोबारा से समझना पड़ेगा कि यदि अभी तक हमारे पास कोई दवाई नहीं बनी है, ये लोगों में शायद थोड़ा सा ये हो गया है कि वैक्सीनेशन आ गया तो हम सबके सब अब हमें ये बीमारी नहीं हो सकती, जैसे वैक्सीनेशन हमें भी लग जाएगा। ये शायद थोड़ा सा लोगों के दिमाग में ये बात घुस गई है कि अब हमें कोरोना नहीं हो सकता। ये हम सब लोगों को जिनको वैक्सीन लग चुकी है और जिनको अभी लगनी है, उन सबको अपने मन में बिठाना होगा। जब तक एक भी केस भारतवर्ष में है, चाहे जिनको वैक्सीन लग चुकी है और जिनको नहीं लगी, किसी को भी दोबारा से कोरोना हो सकता है या नए तरीके से कोरोना हो सकता है। और इसका उदाहरण जो आपने जैसे बताया, पंजाब में, महाराष्ट्र में, केरल में लोगों के ये बढ़ने शुरू हो गए। अभी तक लोगों को समझना होगा कि हमारे पास या तो एक वैक्सीनेशन है या कोई अभी तक दवाई हमारे पास बनी नहीं। अभी तक कोई दवाई नहीं आई जिसको हम कहें कि ये दवाई खिला देंगे तो कोरोना उसको नहीं होगा या कोरोना ट्रीट हो जाएगा। अभी तक हमारे पास कोई दवाई नहीं है कोरोना को ट्रीट करने के लिए भी स्पेसिफिक दवाई। तो हमें क्या देखना है कि अभी तक जो भी हमारे पास जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा या लग भी चुका है, हमें सोशल डिस्टेंस, दूसरा मास्क पहनना, अपने आसपास की सफाई रखना, यदि ये नहीं करेंगे तो कोरोना फिर से फैलेगा, जो हम देख चुके हैं। और अभी तक तो अच्छी बात ये चल रही है, कोरोना ने अपना जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन, इतना ज्यादा म्यूटेशन नहीं हुआ कि हमारे को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते, अभी हमारा वैक्सीनेशन इफेक्टिव है। लेकिन यदि ये कोरोना ऐसे ही फैलता रहा तो वायरस में एक अपनी एक अंदर से एक चीज होती है जिसको बोलते हैं म्यूटेशन, वो म्यूटेशन भी कर लेता है जब वो इतनी जल्दी से फैलता है। तो हो सकता है कि आगे चल के ये वैक्सीनेशन भी कामयाब ना रहे, तो हमारी इतनी दिनों की जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाए। तो हमें ध्यान करना ही होगा, हमें अपने मन में डालना होगा, अपने आसपास वालों को बताना होगा कि जो अभी तक हम करते आ रहे थे वो प्लीज कंटिन्यू रखिए। मास्क पहनना, हाथों की सफाई करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। अभी ये शादियों का मौसम चल रहा है, आप देखिए किसी भी शादी में चले जाएं, वहां पर कोई आपको
मास्क पहने नजर नहीं आएगा और वहां पे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं होता और काफी बड़ी गैदरिंग होती है वहां पर। तो ये सब हमें हटाना होगा, नहीं तो फिर से वही पुरानी सरकार को करना पड़ा कि ये लॉकडाउन हुआ। जब लॉकडाउन होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी खराब होती हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी पे भी उसका असर पड़ता है। जो डेली वेजर्स होते हैं उनके पास पैसों की कमी हो जाती है, भूखमरी बढ़ जाती है। तो प्लीज इस नौबत को मत आने दीजिए, कोई सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। कहीं भी सरकार ले लीजिए, अमेरिका जैसी कंट्री में भी आप देखिए, जब उन्होंने सोशल डिस्टेंस और ये सब को किया शुरू तभी वहां पे कंट्रोल होना शुरू हुआ, अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए। नहीं तो ऐसा संपन्न देश जिसमें इतनी सारी आप देखिए मौत हो चुकी, तो इस चीज को हम अभी तक थोड़ा बहुत बचा के रखे हुए हैं। तो प्लीज जो हमने अभी तक सीखा है एक साल में उसको उसी तरीके से हम करते रहे। डॉक्टर सैनी, जागरूकता भले ही हमारे अंदर है, मीडिया के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए, आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील भी की और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अलग अलग कार्यक्रमों में, चाहे मन की बात का कार्यक्रम हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, लोगों से ढिलाई न बरतने को कहा। लेकिन अक्सर लोगों में ये बात सुनने को मिलती है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मास्क हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम किसी पार्टी में या शादी में एक गैदरिंग में चले जाएंगे एक दिन के लिए तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर और वो एक दिन कोविड को लेकर भारी पड़ सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि छोटी सी भी ढिलाई और हमारी छोटी सी भी असावधानी कितनी भारी पड़ सकती है हमें? जरा सी असावधानी, ये हमारे पास आंकड़े हैं कि यदि आप 5 या 10 मिनट से ज्यादा, यदि जिसको है कोरोना, जिस या तो उसको बीमारी है या कोरोना के कीटाणु लेके घूम रहा है और उसको खुद को बीमारी नहीं हुई, यदि आप उसके 5 या 10 मिनट के कॉन्टेक्ट में रहते हो तो आपको दूसरे को वो कोरोना फैला सकता है। और 30 से 40% ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोरोना के सिम्टम्स नहीं होते लेकिन वो कोरोना के कीटाणु के कैरियर होते हैं। तो उसको रोकथाम करने का एक ही तरीका हो सकता है, वो है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और हाथों की बार बार सफाई करना और आसपास की चीजों को साफ रखना और प्रॉपर एयर सर्कुलेशन रखना। एक ट्रेंड हमने देखा कि लोग खुद विशेषज्ञ बनने लगते हैं, आप जैसे विशेषज्ञों से जो जानकारी मिलती है वो तो रेलेवेंट है लेकिन कई बार वो जब फिल्टर होकर या आम लोगों तक पहुंचती है या एक दूसरे को हम बताते हैं तो वो गलत जानकारी भी लोगों में पहुंच जाती है और उस वजह से कई बार हमें घातक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर आयुर्वेद या दूसरी पद्धतियों की मैं बात करूं तो आयुष मंत्रालय की कुछ गाइडलाइंस हैं और भी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं मेडिसिन को लेकर, लेकिन कई बार हम उनको ध्यान में न देते हुए अपनी ही तरह से कुछ उपाय निकालने लगते हैं। तो इस मामले में जागरूक होना कितना आवश्यक है और गलत जानकारियों का कितना हमें बुरा इस मामले में नतीजा देखने को मिल सकता है? गलत जानकारी हमेशा खराब करती है और इस बीमारी में जान भी ले सकती है। हमारे काफी लोगों ने इसमें जान गंवाई है, हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति अब कोरोना से मरे। और जो भी जानकारी लेनी है सरकारी जगहों पे या अपने जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे लीजिए सलाह, अपनी सलाह से काम मत करिए। तो प्लीज जितनी भी आपके आसपास र्यूमर्स आ रहे हो उनकी तरफ मत जाइए। सिर्फ भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट में जगह जगह पर उन्होंने अपने स्लोगन्स भी लगाए हुए हैं, संदेश भी दिया हुआ है, या अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से जो वो बात कर रहे हैं उसी चीज को लीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा, वो ये कि हम सबके लिए एक लंबा समय हो गया, 1 साल से अधिक, शायद कोई भी बीमारी इतने टाइम तक नहीं आई। हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसको और लंबा ना करें, हमारी जरा सी असावधानी इस बीमारी को और लंबा कर देगी। तो यदि हमें इस बीमारी को यहीं निपटाना है, बार बार हमने बोला है कि ये नियम बन जाना चाहिए, यदि मैं घर से बाहर जाऊं तो मेरे मुंह और नाक पे मास्क हो, मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा और भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाऊं। डॉक्टर सैनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में आप जुड़े और हमारे श्रोताओं के साथ आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और आवश्यक सावधानियों पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnstalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।